अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए कई प्रकार के धार्मिक संगठन कार्य कर रहे हैं, परंतु अभी भी ग्राम में अवैध शराब बिक रही है। अवैध शराब के विरोध में ग्राम के नवयुवक आगे आकर इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। अब नवयुवकों को ये समझ आ गया है कि ये सब नशे की चीजें युवा पीढ़ी को बिगाड़ रही हैं, क्योंकि कई युवा आजकल सोशल मीडिया या अन्य प्रकार के प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह बॉलीवुड के एक्टर्स के द्वारा खतरनाक प्रकार के गुटखा एवं शराब का प्रचार प्रसार कर युवा पीढ़ी को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। इसी क्रम में 27 अक्टूबर की बीती रात्रि ग्राम अधराड़ के नवयुवकों द्वारा ग्राम में बेची जा रही अवैध शराब को पकड़कर रायपुरा थाने को सूचना देकर सुपुर्द किया गया। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस प्रकार के गोरख धंधे को बंद करवाने में कब तक कामयाब हो पाएगी, क्योंकि पूर्व में भी ग्राम अधराड़ के लोगों ने इस गोरख धंधे को बंद कराने के लिए रायपुरा थाने में उपस्थित होकर ज्ञापन दिया था, लेकिन आज तक शराब का अवैध कारोबार का गोरख धंधा ग्राम अधराड़ में जारी है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।